नमस्कार, आप देख रहे हैं एफ एंड ओ एक्सपायरी स्ट्रैटेजी। जी हाँ, आज एक्सपायरी का दिन है, जुलाई सीरीज, और इस सीरीज में मार्केट्स ने जो रफ्तार पकड़ी है, रिकॉर्ड स्तरों को छू लिया। आज भी 10,100 के लेवल को इंट्राडे बेसिस पे पार कर गया निफ्टी। सेंसेक्स 209 पॉइंट्स अभी भी तेज है, 35,600 के लेवल को आज इंट्राडे बेसिस पे हासिल करता हुआ नजर आया। और साथ साथ निफ्टी बैंक देखिए, यहाँ तो 25,000 का जो साइकोलॉजिकल आंकड़ा था वो टच कर दिया आज निफ्टी बैंक ने। और निजी क्षेत्र की पार्टिसिपेशन, निजी क्षेत्र में बैंक्स में येस बैंक, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, ये कुछ ऐसे फ्यूचर्स जो आज बहुत एक्टिव होते हुए नजर आए। अब एफएनओ के गेनर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, जिसमें इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट, येस बैंक, एचडीएफसी, यहां पर मोमेंटम ज्यादा देखने को मिल रहा है। तमाम तेजी के सौदे हैं रिकॉर्ड स्तरों पर। इन स्टॉक्स पे आज एफएनओ पे फोकस ज्यादा है। भारत फाइनेंशियल, आईजीएल और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पे भी आज रिटर्न पॉजिटिव मिलते हुए नजर आए। इसके अलावा एनफी बीम इस सीरीज में वन वे ट्रैक पे, कैनफिन होम्स, वीगार्ड जैसे स्टॉक्स पे भी आज पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं ट्रेडर्स। रिलायंस डिफेंस, उज्जीवन फाइनेंस और एचसीएल टेक आज ब्रॉड बेस बाइंग देख, यहाँ पर निचले स्तरों से कुछ पुल बैक ट्रेड बन रहे हैं। और बैंकिंग कंपोनेंट्स में निजी क्षेत्र के बैंक्स का पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रांग है। अब कुछ एफएनओ रिलेटेड डेटा मैं आपको बता दूं। देखिए, इस सीरीज में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, लगभग 6% के रिटर्न्स निफ्टी पे और निफ्टी बैंक पे 7% के रिटर्न्स मिलते हुए नजर आए। रोल ओवर फिगर्स निफ्टी के 52% के हैं, निफ्टी बैंक के 51% के रोल ओवर हो चुके हैं। और ये बता दूं, ये तेजी की सीरीज है, तेजी के साथ रोल ओवर बढ़ता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत आने वाले सीरीज के लिए भी समझिए आप। कुछ स्टॉक्स जहां पर इस सीरीज में सबसे ज्यादा रिटर्न मिले और सबसे ज्यादा रोल ओवर है, उसमें एचपीसीएल 81% का रोल ओवर, सेंचुरी टेक्सटाइल में 80% और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इस स्टॉक में पॉजिटिव वैसे ट्रेडिंग हुई और 80% का रोल ओवर फिगर खड़ा हो गया है। जेपी एसोसिएट स्ट्रॉन्ग मूव था इस सीरीज में, अब 79% का रोल ओवर, और केपीआईटी और रिलायंस पावर जैसे स्टॉक्स में भी 78% से ज्यादा का रोल ओवर है, यानी कि तेजी के साथ रोल ओवर फिगर्स। मेरे साथ नितिन मुरारका साहब इस समय मौजूद हैं, एसएमसी ग्लोबल के। नितिन जी नमस्कार, स्वागत है सर। हमने डिस्कस किया था इस सीरीज की स्टार्ट में कि 10,000 का लेवल छू लेंगे और वो छू लिया, 6% के रिटर्न भी मिल गए। अब ये इंडेक्स में 6% का रिटर्न मिलना, क्या हम कुछ डेविएट कर रहे हैं नॉर्मल पैटर्न से? 6% का रिटर्न बहुत ज्यादा समझें, थोड़ा करेक्ट हो सकता है मार्केट क्या? देखिए, नॉर्मल मोमेंटम है, 95% का 6% मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो कई बार 10-12% का भी पॉजिटिव या नेगेटिव मोमेंटम आया है। रोल ओवर्स जो है वो पॉजिटिव साइड के हैं, मगर अगर आप लास्ट 10 साल में अगस्त की एक्सपायरीज को देखिएगा तो डिस्पाइट लॉन्ग रोल ओवर्स, डिस्पाइट पॉजिटिव रोल ओवर्स, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगस्त में हम लोग देखते हैं। जैसे लास्ट 10 साल का डेटा अगर आप देखोगे तो अगस्त एक्सपायरीज में 6 साल अप्रॉक्सीमेटली नेगेटिव रहे हैं और 4 साल ही पॉजिटिव रहे हैं। अगर एवरेज 10 सालों का रिटर्न हम देखते हैं अगस्त एक्सपायरी का, तो स्लाइटली नेगेटिव रिटर्न आता है 2-2.5% के आसपास का। अच्छा, तो ओवरऑल जो हिस्टोरिकल डेटा है वो अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, बट प्राइस कंफर्मेशन हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमारा व्यू यही है कि जो रोल ओवर्स हम करें वो रिड्यूस्ड क्वांटिटी में करें, यानी कि लॉन्ग पोजिशन आपको 50% ही लॉन्ग रोल ओवर्स करनी चाहिए और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऊपर का ट्रेल कर लें। काफी एग्रेसिव हम बुलिश नहीं है, बट बुलिश है, बट कॉशियसली बुलिश है इस लेवल पे। चलिए, लेकिन निफ्टी बैंक पे क्या करना चाहिए सर? आपने मार्केट से बोला कि थोड़ी करेक्शन हो सकता है, हायर लेवल्स पे हो सकती है और कॉशियसली बुलिश हैं आप। निफ्टी बैंक तो 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल छू चुका है आज, यहां पर और मोमेंटम देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि स्टार परफॉर्मेंस जो इस बार इंडेक्स को मिली है ना, वो सिर्फ बैंकिंग के दम पे मिली। देखिए, आरबीआई पॉलिसी है नियर टर्म में जिसके कारण आपको बैंक निफ्टी से पॉजिटिव ट्रिगर मिल रहे हैं, बट रिस्क रिवार्ड रेशियो अभी इस लेवल पे बैंक स्टॉक्स में नहीं समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 5-5, 6-6, 7-7% का मोमेंटम सारे स्टॉक्स में आ गया है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी हमें मिल गई है, तो मुझे लग रहा है एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए और जो भी क्वांटिटी आप रोल ओवर करें वो रिड्यूस करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो बैंक निफ्टी का हम ले रहे हैं वो करीब करीब 24,750 से 800 की रेंज में रख रहे हैं और थोड़ा लॉन्ग रोल ओवर कर रहे हैं, बट वहां पे भी व्यू ये है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके आपको एफएनओ ट्रेडिंग में थोड़ा आइडल, थोड़ा लिक्विडिटी के साथ यहाँ पे रहना चाहिए और लॉन्ग रोल ओवर बहुत एग्रेसिव नहीं करना चाहिए। चलिए, मनीष शर्मा साहब इससे हमारे साथ मौजूद है और अब जानने की कोशिश करेंगे कि सीरीज, अगली सीरीज की तैयारी कैसे करें, यहाँ पर क्या तेजी और बढ़ सकती है क्या? मनीष शर्मा जी, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताएं मार्केट्स पे जो मोमेंटम है सीरीज में, मैं फिर से पूछूंगा, 6% के रिटर्न जनरेट हो चुके हैं, थोड़ा करेक्शन का कितना स्कोप है मार्केट पे, या फिर अभी भी मानते हैं कि बाय एंड डिप्स की मार्केट और बेहतर लेवल्स दिखा सकती है?
जी बॉन्ड इसका मार्केट है ओवरऑल, अगर आप देखें ओवरऑल ट्रेंड मुझे लगता है यहाँ से 10,300-10,400 तक के लेवल अगस्त सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। और आज के दिन की बात करें तो आज के दिन में मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है सेकंड हाफ में, और यहाँ से मुझे लगता है 10,020-10,030 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, और 10,130-135 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें शॉर्ट करने के लिए। अच्छा, हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमने भी जो पोल किया था ना उसमें यही था कि 10,050 मैक्सिमम एक लेवल था जिसमें ज्यादातर ब्रोकर्स फॉल कर रहे थे कि 99.50 से 10,050 के ब्रैकेट के बीच में पड़ते हुए नजर आएंगे, उससे ऊपर निकल गया मार्केट, कंसेंसस से ऊपर था मार्केट आज के सत्र में। आप बोल रहे हैं कि 10,020 दोबारा हासिल कर सकता है निफ्टी लोअर लेवल्स पे, स्टॉक पे किसी भी बुलिश मोमेंट है वो भी देखने को मिलेगा या फिर कहीं शॉर्टिंग एडवाइस कर रहे हैं आप? जी शॉर्टिंग में एडवाइस कर रहे हैं, एक्सिस बैंक रिजल्ट के बाद अगर आप देखें मोमेंटम काफी नीचे का है, और मुझे लगता है यहाँ से 515-520 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और एक्सिस बैंक में, सो 538 का स्टॉप लॉस रखें शॉर्ट करने की जाएगी। अच्छा, एक्सिस बैंक पे भी आप मानते हैं हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और ये एक काउंटर प्ले है क्योंकि मार्केट्स पे जिस तरीके का ट्रेंड इवर्ज हो रहा है निफ्टी बैंक सपोर्ट कर रहा है, अब एक्सिस बैंक पे बोल रहे हैं कि 520 का टारगेट रहेगा, 536 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा, बेच कर चलें। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। 536 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप, 520 का टारगेट रहेगा। अजीत मिश्रा साहब मेरे साथ मौजूद हैं आप। अजीत जी, क्या आप भी हायर लेवल्स पे मार्केट्स कुमाते हैं, थोड़ा स्लिप हो सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है सर नियर टर्म में? शुक्रिया रजत। देखिए प्रॉफिट टेकिंग ऑब्वियस बिकॉज आज एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं और मेजर इंडेक्स मेजर्स के भी रिजल्ट्स हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बायस सेकंड हाफ में जैसे कि अभी हम देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, बट मुझे लगता नहीं है कोई मेजर डिक्लाइन की उम्मीद अभी नियर टर्म में करनी चाहिए जब तक मोमेंटम बना हुआ है। तो बाय ऑन डिप्स की अप्रोच मेरे हिसाब से अभी भी वन शुड फॉलो, जहाँ पे कि 10,050 के अराउंड पे अगर आपको मिलता है निफ्टी दोबारा से 9980 के एक स्टॉप के साथ अभी भी वेट करना चाहिए आपको लॉन्ग साइड पे, 10,200-10,300 तक के लेवल्स भी पॉसिबल हैं। ओके, ये आप कितने समय का व्यू लेकर चल रहे हैं सर इस मार्केट पे? देखिए ये पोजिशनल व्यू होगा बिकॉज कि अभी तो जिस तरीके से मोमेंटम है नियर टर्म में उस पर बहुत साइड बेस हो जाए, बट मुझे लगता है कि बैंकिंग में पोटेंशियल है प्लस ऑटो इंडेक्स में कि इंडेक्स को ये लेके जाए मे बी इन वीक और टू टेक, और ऊपर से जो मारुति सुजुकी के नतीजे अभी आने वाले हैं ना, जो अपने ऑटो की बात करी वो बहुत बड़ा एक ट्रिगर हो सकता है साबित हो जाए मार्केट के लिए, अगर नतीजे ठीक रह गए तो ऑटो इंडेक्स में खरीदारी बन सकती है। निफ्टी बैंक और ऑटो पे फोकस करने की सलाह रहेगी। 10,200 निफ्टी का टारगेट है, 9,980 का एक स्टॉप लॉस। स्टॉक बताएं सर नेक्स्ट सीरीज के लिए, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? देखिए जैसे कि हमने बात की ऑटो इंडेक्स लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल हो सकता है, तो यहाँ पे हीरो मोटो को में काफी कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से एक फ्रेश बाइंग पिवट बना है, तो यहाँ पे 3680 के स्टॉक के साथ करीब 3860 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया। ओके राइट सर, बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। 3860 का टारगेट है, 3680 का एक स्टॉप लॉस, हीरो मोटो को आप पे खरीदारी की राय। मेरे साथ अरुण मंत्री जी से मौजूद है। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है सर। बताएं स्टॉक बताने से पहले निफ्टी पे व्यू जरूर जानना चाहूंगा, आप कार्वी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट यहां से और तेज होंगे या फिर थोड़ा करेक्शन हो सकता है? नमस्कार रजत जी, हमारा व्यू निफ्टी पे अभी भी बुलिश ही है, कोई भी गिरावट पे बाई करने की सलाह होगी। इवन हमने अपने क्लाइंट को भी यही सलाह दी है कि नीचे में जब तक 10,000 का लेवल नहीं टूटता है तो निफ्टी में अपसाइड जारी रहेगा, और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू या पोजिशनल 2-3 दिन का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी। नीचे में 10,030 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ऊपर में 10,120 से 10,150 तक आप निफ्टी को 1-2 दिन में देख सकते हैं। अच्छा, तो फिर खरीदे क्या, स्टॉक स्पेसिफिक राय कहाँ पर है? स्टॉक स्पेसिफिक में हमें गोदरेज इंडस्ट्री काफी अच्छा लग रहा है करंट लेवल से। अगर पिछले 5 दिनों से देखें तो कंटिन्यू से कंसोलिडेशन हुआ था, वहाँ से अपने एक क्रूशियल सपोर्ट पे स्टॉक आके वापस रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से ये स्टॉक कम से कम 15-20 रुपए का अपसाइड दे सकता है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से काफी फेवरेबल होगा ये स्टॉक करंट लेवल से बाई करने के लिए। नीचे में आपका स्टॉक आउट 660 का होना चाहिए, ऊपर में 690-692 का लेवल आप गोदरेज इंडस्ट्री में 1-2 दिन में देख सकते हैं। चलिए सर बहुत शुक्रिया। गोदरेज इंडस्ट्रीज एक स्टॉक हो गया जिसमें तेजी बनाने की सलाह है, 692 का टारगेट, 660 का स्टॉप लॉस। हीरो मोटो कॉर्प पे तेजी बनाई जा सकती है, वेट करना चाहें तो मारुति सुजुकी के नतीजे थोड़ी देर में आ जाएंगे और उसके बाद आप ऑटो पे एक्सपोजर ले सकते हैं। हीरो मोटो कॉर्प प्लस की सलाह है, खरीदारी की सलाह रेलिगेयर सिक्योरिटीज के रडार पर है, 3860 का टारगेट, 3680 का एक स्टॉप लॉस, और एक्सिस बैंक बिकवाली की सलाह। मनीष शर्मा जी मानते हैं हाई लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हो सकती है, 520 का टारगेट है, 536 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। मुथुट कैपिटल इसके नतीजे आए थे, नॉन डेरिवेटिव कैटेगरी का एक स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट मेरे साथ इस समय मौजूद है, फटाफट से मैनेजमेंट के पास ही चलते हैं। मधु एलेक्से मेरे साथ इसमें मौजूद है, सीईओ मथुट कैपिटल के। सर बहुत शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल
की हाईलाइट्स क्या रहे मुथूट कैपिटल के क्वार्टर वन रिजल्ट्स के? सर हाय रजत, गुड आफ्टरनून. For the Q1, as far as disbursement is concerned, we have grown by about 45%. We did a disbursement of around 371.8 crores. And our book, the loan book also grew by about 43%. That is at 1,559 crores. PAT, we did around 35% growth year on year at 6.1 crore. Overall highlights is that in terms of our business expansion, we are in line with our business expansion. We are now spread out in the north, east and south, north, east and west. Almost 30% of our business is coming from these areas. Another thing is that we were able to launch all our digitalization process for loan processing, which we have been able to put it, and next fortnight we should be ready end to end. So overall, we are seeing that whatever initiatives we have taken, the net result is showing whatever we promised, that we will show a growth of about 40% plus, which this we have been able to deliver. So I would say that in terms of whatever we promised in the beginning of Q1, we have been able to deliver as on 30th. Right, sir. Lekin aapne bola pan in India presence badhane pe focus zyada hai. सेगमेंट वाइज पूछूंगा, टू व्हीलर सेगमेंट पे किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोन डिसबर्समेंट्स में, और गोइंग फॉरवर्ड कोई और सेगमेंट पे फोकस कर रही है कंपनी? तो टू व्हीलर में जब साल शुरू हुआ था, हमने बोला था कि हम 45% प्लस ग्रो करेंगे. मार्केट जो है अराउंड, जो टू व्हीलर सेल्स जो है अराउंड 9-10% ग्रो कर रहा है. अगेंस्ट दैट हमने 45% ग्रोथ दिखाया है. ये ग्रोथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस साल. उसके दो कारण है, दो या तीन कारण है. पहला ये है कि मैंने आपको बताया, हम लोग डिजिटलाइजेशन प्रोसेस किया है, जिससे मैनुअल इंटरवेंशन काफी कम हुआ है, टर्न अराउंड टाइम बढ़ा है लोन प्रोसेसिंग का, कस्टमर को एक्सपीरियंस इंप्रूव हुए हैं. तो लॉट ऑफ कस्टमर्स, यू नो द नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट वी डू एवरी डे, द नंबर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. पहला तो ये है. दूसरा, हमारे जो फ्लैगशिप कंपनी है मुथूट फिनकॉर्प जो गोल्ड लोन करती है, उसका जो नेटवर्क है करीब 3,500 के करीब उनका नेटवर्क है. अच्छा. तो वो भी काफी एक्टिवली हमको बिजनेस देती हैं और अक्रॉस द कंट्री स्प्रेड आउट हैं, जिसकी वजह से हमको अप्रोक्सीमेटली हमारा जो टोटल बिजनेस करते हैं 25% बिजनेस हमको वहां से आ जाता है. अच्छा. पर ये जो AUM है ये लगभग टेकन टुगेदर काफी तगड़ी ग्रोथ कंपनी ने दी है. एक साल में कंपेयर करें तो 43% के आसपास की मेरे ख्याल से 1,560 करोड़ का आंकड़ा है. कितना ग्रो हो सकता है इस साल? और तो इस साल हमने फोकस किया है कि हम 2000 प्लस पे जाएंगे, 2000 प्लस करोड़ हम बुक लेके जाएंगे इस साल. और 2020 में हमने इस साल के शुरुआत में बोला था 2020 में हमको एग्जैक्टली डबल करने बुक, तो उसके लिए तैयारी चल रही है. आपने पूछा था और क्या प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, मे बी Q3 Q4 में हम कपल ऑफ अदर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जो की मैं आपको Q2 के रिजल्ट के आसपास बता पाऊंगा की क्या प्रोडक्ट होंगे. प्रीडोमिनेंटली हम जो फोकस करते हैं लो इनकम कैटेगरी कस्टमर में फोकस करते हैं, जो टू व्हीलर के कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स क्या हैं, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट डेवलप करेंगे. मे बी Q3 आई विल बी एबल टू टेल व्हाट आर दोस प्रोडक्ट्स. सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो बुक हम बता रहे हैं 2000 करोड़ या 2020 में हम डबल करेंगे, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग दैट. क्योंकि अभी तो हम केवल टू व्हीलर कर रहे हैं और उसमें जो है हम 40-45% ग्रोथ दिखा रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर. सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट दैट कंपनी हैज अचीव. राइट सर, बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए और नतीजों पर बात करने के लिए. और आपके साथ फिर से जुड़ेंगे Q2 में, और उससे पहले भी इनफैक्ट जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से सेगमेंट्स हैं जहां पर कंपनी का फोकस अब और बढ़ता हुआ नजर आएगा. टू व्हीलर सेगमेंट में जहां पर कंपनी ऑपरेशनल है वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है. मुथूट कैपिटल फिलहाल 514 के लेवल पे कामकाज कर रहा है, लेकिन क्योंकि वायदा एक्सपायरी है तो दोबारा से हम F&O डेटा को निकालने की कोशिश करते हैं. सर, रोल ओवर फिगर्स नितिन जी कैसे लग रहे हैं इस बार, और कौन से सेक्टर्स पे आपको लग रहा है कि मोमेंटम कैरी होगा, तेजी के सौदे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? सर देखिए, रोल ओवर्स नीचे के लेवल पे ज़्यादा हुए हैं. जैसे निफ्टी में 9980 से लेके 10,000 की रेंज में दो तीन दिनों में काफ़ी रोल ओवर्स हो गए थे, और वो एक बेस बन जाएगा अगली एक्सपायरी के लिए. यानी 10,000 का लेवल काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा. अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो करीब 24,450 से 500 की रेंज में मैक्सिमम रोल ओवर्स हुए हैं, तो वो अब सपोर्ट बनता हुआ रहेगा.
सेक्टर वाइज हम देखते हैं तो रोलओवर्स कुछ कई सेक्टर्स में अभी भी लॉन्ग रोलओवर्स हैं, जैसे कि आप बैंकिंग में देखेंगे लॉन्ग रोलओवर्स हैं, इसके अलावा एनबीएफसी कंपनीज है वहां पे भी लॉन्ग रोलओवर्स हैं, मेटल्स में लॉन्ग रोलओवर्स हो रहे हैं, पीएसयू बैंक्स में रोलओवर्स अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि जो फाइनेंसिंग सेक्टर्स है बैंकिंग और एनबीएफसी ये आउट परफॉर्म करना चाहिए। इसके अलावा मेटल्स में आउट परफॉर्मेंस रहेगी, ऑटो में जैसे मारुति है वहां पे आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है। जो आपने फाइनेंस बात की इसमें कुछ स्टॉक्स देखिए एक बार, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, चोला इन्वेस्टमेंट, कोई भी स्टॉक आपको पसंद है सर? देखिए स्ट्रांग मोमेंटम में है बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल नहीं बन रहा है। ऑलरेडी जैसे इस पूरे महीने में हम लोग काफी एग्रेसिव लॉन्ग थे और फाइनेंस कंपनीज पे काफी अच्छा काम किया है, बट अब हम लोग थोड़ा प्रॉफिट बुक करके एक बार कॉशस हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किसी भी स्टॉक में नहीं बन रहा है। स्ट्रेटेजी हमारी ये है कि कोई भी डिप अगर मिलता है तो हम बाय ऑन डिप करेंगे फाइनेंस कंपनीज में, क्योंकि यहाँ पे रोलओवर्स अच्छे हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो L&T फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं, बट बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए रादर देन कि हम एग्रेसिव होकर के इस लेवल पे बाइंग करें। अच्छा, लेकिन ना परसेंटेज के जो गेनर्स हैं उन पे सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपसे एक बार पूछ लेता हूँ, सिंटेक्स ये स्टॉक काफी स्ट्रांगली मूव करता हुआ नजर आया इस पर्टिकुलर सीरीज में, रिटर्न जो जनरेट कर दिया सिंटेक्स ने लगभग 45% के आसपास के थे। इन्फीबीम सरप्राइज मूव था इस सीरीज में, इन्फीबीम जिस तरीके से चढ़ा, अगर आप एक महीने का भी ट्रेंड देख लेंगे ना इन्फीबीम का तो काफी स्ट्रांगली आज यहाँ पर इंट्राडे में भी 3% के आसपास के रिटर्न जनरेट कर रहा है, लेकिन एक महीने के पर्सपेक्टिव से देखिए इन्फीबीम में बहुत स्ट्रांगली गेन्स मिलते हुए नजर आए थे। जुबिलेंट फूडवर्क्स मत भूलिए, एक महीने में काफी स्ट्रांगली गेन्स, लगभग 34% के रिटर्न इस स्टॉक ने डिलीवर किए हैं, तो जुबिलेंट फूड पर मूव पॉजिटिव था। बजाज फाइनेंस की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, एक है जेपी एसोसिएट्स, चौंका दिया इस स्टॉक ने, अब लगातार दूसरी सीरीज काफी बेहतर जा रही है, जेपी एसोसिएट्स में 24% के रिटर्न एक महीने के दौरान मिलते हुए नजर आए। नितिन जी, इसमें से कोई भी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, इन्फीबीम, जुबिलेंट फूड्स, जेपी एसोसिएट्स, कोई भी स्टॉक पसंद है क्या? देखिए जुबिलेंट फूड में लग रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद दोबारा मोमेंटम मिलेगा। जेपी एसोसिएट में भी रोलओवर्स पॉजिटिव हैं, ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है। इन्फीबीम में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की संभावना लग रही है, वो रिस्की ट्रेड लग रहा है, बट अगर इन तीनों में आप कंपेयर करें तो जुबिलेंट फूड और जेपी एसोसिएट इसमें पॉजिटिव मोमेंटम बनेंगे। बट इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें रोलओवर्स अच्छे हो रहे हैं और वो चले नहीं है, जैसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल एक सेंचुरी टेक्सटाइल है। अच्छा। जिसमें रोलओवर्स हाईएस्ट है पूरी जितने भी एफएनओ के स्टॉक्स हैं और उसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं आया है, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे जिसमें कि जो मूवमेंट नहीं आई है बट रोलओवर्स अच्छे हैं, वो चल सकते हैं अगली एक्सपायरी। ठीक है, तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स पे अगर खरीद लें तो फिर क्या टारगेट्स लेके चल सकते हैं सर? देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल में जैसा कि रोलओवर्स काफी अच्छे हो रहे हैं, हाईएस्ट है इसमें, मैं 1250 का टारगेट लेकर के चल रहा हूं और स्टॉप लॉस करीब 1170 के आसपास के होंगे। ओके राइट, तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स खरीद सकते हैं, पोर्टफोलियो में रखें इसे, 1250 का टारगेट है, 1170 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। आज हाई लेवल्स पे थोड़ा प्रॉफिट बुक, कल के सत्र में बहुत स्ट्रांगली स्मार्टली गेन करा था कल लेटर हाफ में, अब जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो है 1250, एसएमसी के रडार पर है। और स्टॉक्स इनफैक्ट एक्साइड, ये भी पूछना चाह रहा था मैं, मूव दे सकता है कि आप नतीजों के बाद ये स्टॉक? देखिए एक साइड में पिछली पूरी एक्सपायरी में कोई मोमेंटम नहीं है और अपने सपोर्ट के आसपास है, और अगर आप डेटा देखेंगे तो 2-3 दिनों से डिलीवरी बेस यहां पे बाइंग हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा शिफ्ट ऑफ मनी हो सकता है कि एक साइड की तरफ मूव कर रहा हो, रिस्क लिमिटेड है। तो यहाँ पे मैं करीब 216-17 का केवल स्टॉप लॉस बनता है 2-3 रुपए नीचे, और मुझे लग रहा है कि इसमें मोमेंटम बनना चाहिए, डिलीवरी बेस भी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, 235 के टारगेट के लिए यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। राइट, एफएमसीजी पैक में कोई स्टॉक पसंद है क्या आपको नेक्स्ट सीरीज के लिए? देखिए अगेन कोलपाल, कोलगेट पे मुझे लग रहा है कि सपोर्ट पे है, बाउंस बैक आने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे रिस्क भी मुझे लग रहा है कि करेक्शन में लिमिटेड है, तो उसको देखते हुए 1055 का स्टॉप लॉस रखा है और 1120 के आसपास का टारगेट। ओके राइट, ये पावर स्टॉक्स में ना इस सीरीज में रिटर्न्स तो मिल रहे हैं, जैसे कि अदानी पार जैसे स्टॉक्स में मूव पॉजिटिव मिला, आज के सत्र में एक स्टॉक चढ़ा है ये पावर ग्रिड, जिसमें बहुत समय बाद एक मूव बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या एक्सपोजर लिया जा सकता है पावर स्टॉक्स में? देखिए पावर ग्रिड में मोमेंटम बनना चाहिए, ये काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होने के बाद दोबारा कंसोलिडेट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है अगली एक्सपायरी के लिए अगस्त के लिए एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, तो यहाँ पे करीब करीब 214 का स्टॉप लॉस बनता है
और टारगेट 228-230 के बन रहे हैं, तो ये ट्रेड है जो आप बाइंग करके पावर सेक्टर में जाया जा सकता है। अच्छा राइट, फाइनेंशियल स्टॉक्स, बैंकिंग पे हमने बात कर ली, काफी स्ट्रांगली मोमेंटम में थे, ये कोई सेक्टर जहां पर अवॉइड करने की सलाह होगी नेक्स्ट सीरीज में, कोई भी सेक्टर? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि रियल्टी प्ले हुआ भी लेटर हाफ में चढ़ने शुरू हुए हैं, टेलीकॉम बहुत स्मार्टली गेन किया था ये पर्टिकुलर सीरीज में, या फिर आईटी, कोई भी स्टॉक या फिर सेक्टर जो आप नहीं खरीदने की सलाह देंगे हायर लेवल्स पे, आप प्रॉफिट बुकिंग हो सकती? देखिए इसमें से जैसे रियलिटी ऑलरेडी जैसे अभी लेटर पार्ट में मूव हुआ है, बट उसमें मुझे डिलीवरी बेस्ड बाइंग नहीं दिखी है। अच्छा, जो भी उसमें मोमेंटम है उसमें शॉर्ट कवरिंग के कारण हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए रियलिटी में डीएलएफ है, एसजीएल है, इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा इस लेवल पे एनबीएफसी कंपनीज को भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना मुझे लग रही है। चलिए, बहुत ज्यादा अब हायर लेवल्स पे कॉशियस रहने की सलाह दी जा रही है, ज्यादातर ट्रेड जो जानकार हैं यही बोल रहे हैं कि हायर लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस रहिए, हालांकि मार्केट्स अभी भी बाय एंड डिप्स की मार्केट बनी हुई है। नितिन जी बहुत शुक्रिया आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। कॉशियस इसलिए क्योंकि 6% का गेन आमतौर पर इंडेक्स इतनी आसानी से नहीं देता, इस सीरीज में दे गया, बहुत स्मार्टली गेन कर रहा था। अभी भी आप देखेंगे तो ज्यादातर कॉल्स प्लस साइड पे आई हैं, खरीदारी की साइड पे आई हैं, एक ही निफ्टी की कॉल सेल कॉल थी और हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हीरो मोटोकॉर्प, गोडरेज इंडस्ट्रीज, कोलगेट पामोलिव, एक्साइड, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज आप फोकस कर सकते हैं और एक्सपायरी नेक्स्ट सीरीज में काफी स्ट्रांगली ये स्टॉक्स गेन कर सकते हैं। लेकिन अब कॉमोडिटी मार्केट का रुख करते हैं। मृत्युंजय मेरे सहयोगी मेरे साथ इसमें मौजूद है। मृत्युंजय बताएं, रिकॉर्ड स्तरों पर तो इंडियन मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स पहुंच चुके हैं, तो सोने और चांदी का क्या हाल? आज यहाँ भी तेजी है, यहाँ भी चमक बड़ी है रजत, क्योंकि फेड की मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि फिलहाल ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और उसका बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आज मार्केट के ऊपर दिखा है। करीब 150 रुपये ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड, 28,537 के स्तर पर करीब आधा फीसदी की मजबूती के साथ अभी ट्रेड हो रहा है। आज के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो एंजल का व्यू है कि आप 28,500 पे गोल्ड बाय करिए, लक्ष्य होगा 28,700 रुपये का, और सिल्वर में अगर आपको 38,400 का स्तर दिखता है तो आप बाई करके चलें, लक्ष्य होगा 38,900 रुपये का, 38,180 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। कच्चा तेल एक महत्वपूर्ण काउंटर होगा जहां पर आप कारोबार कर सकते हैं, 3120 के भाव पर आप क्रूड में बाई करके मुनाफा कमाइए, 3190 का टारगेट होगा और 3080 का स्टॉप लॉस आप लगाएं। इसके अलावा कॉपर में अगर आपको 408 का स्तर दिखता है इंट्राडे में तो वहां पर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, लक्ष्य होगा 414 का, लेकिन 405 रुपये का स्तर स्टॉप लॉस के लिहाज से बेहतर होगा। इन सब के अलावा सोयाबीन अगस्त वायदा 3020 पर आप बाई करें, 3080 का टारगेट होगा, 2990 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके अलावा जीरा अगस्त वायदा 19,400, याद रखिए 19,400 के स्तर पर आप यहां पर बाई करिए, 19,800 का टारगेट होगा और 19,200 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इन सब के अलावा टर्मरिक में अगर आपको 7050 का लेवल दिखता है तो आप बेचें, 6,800 का टारगेट होगा, 7150 के स्तर पर स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा कैस्टर में अगर आपको 4550 का स्तर दिखता है तो आप बेचें, लक्ष्य होगा 4450 का, लेकिन 4610 के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हैं, मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन लेवल का ध्यान जरूर रखिए।